हेलो दोस्तों, हाजिर है फिर से आपका अपना भाई राकेश कुमार कंप्यूटर के सीरीज वाइज वीडियो लेके। जो स्टूडेंट कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बनाने की सोच रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए आज से कंप्यूटर को जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल भी हम आगे की वीडियो में पढ़ते रहेंगे। मैं अपनी वीडियो में लेटेस्ट नॉलेज शेयर करता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो हमको डेस्कटॉप पे आइकन शो होते हैं, इनको हम डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। राइट साइड के कोने में वॉल्यूम, नेटवर्क और इंपोर्टेंट मैसेज के ऑप्शन होते हैं। वेबसाइट के कोने में विंडो का आइकन जो शो होता है, उसी को हम क्लिक करके स्टार्ट मेनू को ओपन करते हैं। जितने भी हमारे सिस्टम में ड्राइवर्स होते हैं, हम उन सभी को यहीं से रन करते हैं और वो सभी ड्राइवर यहीं पे शो होते हैं। अगर किसी ड्राइवर्स को हमें फ्रेंड पे शो करना है, हम उस पर राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट मेनू कर देंगे, वो हमें फ्रेंड पे शो होने लगे। स्टार्ट मेनू में नीचे की साइड सर्च बॉक्स होता है। अगर हमको किसी ड्राइवर्स को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसमें टाइप करके ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने CMD टाइप किया और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। मैं कुछ और भी टाइप करके देख लेता हूं। जैसे कि मैंने वर्ड टाइप किया है, वर्ड मेरा सबसे ऊपर शो होने लगा है। अब हम इसको यहीं से रन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले हमारी ड्राइव शो हो रही है, जिसमें हम अपने डाटा को रखते हैं। मेरे एक ड्राइव के पार्ट में विंडोज इंस्टॉलर और दो ड्राइव्स के पार्ट में डाटा है। जैसे कि मैं अभी अपने डाटा को ऑन भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने वॉल्यूम तो थोड़ा डाउन कर लिया और मैं एक सॉन्ग को लेकर के देखता हूँ। ये लड़के भी ना भगवान की कितनी खूबसूरत रचना है। ना कोई मेकअप, ना कोई टचअप, ना कोई लिपस्टिक, ना कोई काजल, फिर भी परफेक्ट लुक। इनके दिल में कितना भी दर्द। फेवरेट में हमें तीन ऑप्शन शो होते हैं, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे वही सब जो डेस्कटॉप पे आइकन होते हैं, और डाउनलोड, डाउनलोड्स में हम जो भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं डाउनलोड फोल्डर में आती हैं वो, और रिसेंट प्लेस में आते हैं जो हम फाइल रिसेंट में ही ओपन करते हैं, वो सब इसमें दिखाई देती हैं। अभी हमने सॉन्ग प्ले करने के लिए जो फोल्डर ओपन किए थे, वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हमें डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर और वीडियो दिखाई दे रही हैं। ये हमारी कंप्यूटर के सैम्पल वीडियो होती हैं और पिक्चर होती हैं और म्यूजिक होता है। हमने सभी फोल्डर ओपन करके देखे हैं। सभी फोल्डर में कंप्यूटर की सैम्पल वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर होती हैं। होम ग्रुप के अंदर हम अपने डाटा को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, जो हमें होम ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है। मैंने अभी कोई होम ग्रुप बनाया नहीं है। कंप्यूटर में हमें सारी डाटा ड्राइव शो होती हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्क में। नेटवर्क में हमें जिस भी ड्राइव से अपने कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करके चलाते हैं, उस ड्राइव का नाम शो होता है। आइए हम नेट को कनेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही हमारे कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होगा, उस ड्राइव का नाम हमें शो होने लगेगा। आप देख सकते हैं नेट कनेक्ट होने के बाद उस ड्राइव का नाम हमारे कंप्यूटर में शो होने लगा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि डेस्कटॉप पे बहुत से आइकन शो हो रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट आइकन के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंट्रोल पैनल होता है, जिसमें हम अपने कंप्यूटर की सभी सेटिंग करते हैं। इसमें एक रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन का काम होता है, अगर हमारे कोई फाइल गलती से डिलीट होती है तो वो इसके अंदर आ जाती है, और हमको बाद में पता चलता है कि हमारी फाइल कोई डिलीट हो चुकी है, तो हम इसके अंदर जाके उसको ओपन करके इस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइल वो से अपनी जगह पे ही पहुंच जाती है। मैंने एक फाइल को डिलीट करके उसे रिस्टोर किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।